अरे शौर्वरी, और कितना वक्त लगेगा तैयारी करने में? गेस्ट आते ही होंगे। ऑलमोस्ट 5 मिनट्स में रेडी हो जाऊंगी। लेकिन तुम क्यों इतने रेस्टलेस हो रहे हो? यार रेस्टलेस नहीं हूँ तो और क्या, रेस्टलेस नहीं हूँ मैं, थोड़ा एक्साइटेड हूँ। भाई जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो, थोड़ा एक्साइटेड तो होगा ही ना। सदियों से भी पुरानी है मोहब्बत की कहानी, किसके रोके ये रुकी है, होती है बस हो गई है। धड़कनों पे देख दस्तक, उठ दिल से जाए दिल का, दिल से दिल तक, दिल से दिल तक। धड़कनों पे देख दस्तक, उठ दिल से जाए दिल। तीनों ने बहुत अच्छा समा जमा दिया, तो मुझे लगता है अब मुझे ज्यादा कहने की बजाय सबसे पहले शो के बारे में आपको थोड़ा कुछ हम बताना चाहेंगे। प्लीज आप लोग देखें और जोर। हेलो, यही है हमारा शो है। इतना खूबसूरत एक टेणी क्यों, कैसे आती है, कैसे उनके जीवन में उतार चढ़ाव लाती है, इसी की ये पूरी कहानी है, दिल से दिल तक। थैंक यू। सो विल गेट द राइट नाउ फर्स्ट। या दिल से दिल तक, पुरानी है मोहब्बत की कहानी, जाए दिल तक, दिल से दिल तक। धड़कनों पे दे मोहब्बत की कहानी, किसके रोके ये, किसके रोके ये रुकी है, होती है बस हो गई है। दिल तक, दिल से दिल तक, धड़कनों पे देके दस्तक। सदियों से भी क्या प्लॉट है शो को और किस तरह किरदार निभा रही है शो में? मैं शौर्वरी, जो एक बंगाली लड़की है, एक गुजराती लड़के से शादी करती है जिसका नाम है पार्थ भानुशाली। शादी करके आती है, लेकिन जैसे गुजरातियों में नॉर्मली होता है, आउटर कास्ट की लड़कियों को ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, तो वही फेस प्रॉब्लम फेस करते हैं वो लोग। एंड एक दूसरे को वो इतना प्यार करते हैं। सो फॉर शौर्वरी, उसका पति और उसके पति की फैमिली बस उतनी सी उसकी दुनिया है और वो उसी में उतनी खुश रहती है। खुशी क्या है, दुख क्या है, अगर उसे किसी को एक्सप्रेस करना है वो अपने पति को करती है, और वो भी बिना बताए कुछ करती है। एंड वो अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश रहती है। शौर्वरी इज यू। और ये जो कलर्स पे शो आ रहा है, तो कलर्स पे ये शो आना, ये कितनी खास बात होगी? क्योंकि कलर्स चैनल पे जो भी शो आता है अपने आप में स्पेशल हो जाता है, या वो कपिल शर्मा का शो हो या कोई और शो हो। कलर्स चैनल ही ऐसा है, बिकॉज कलर्स एक्सपेरिमेंट करते रहता है, और इस पर हर रीजन के एक एक शोज मिलेंगे, मराठी, गुजराती, पंजाबी, मारवाड़ी, और हर एक चीज़ का फ्लेवर देने की वो कोशिश करते हैं। डांस शो हो गया, कॉमेडी शो हो गया, सीरियस कोई पकड़ लो। कभी ऐसा आप ऑन चैनल भी ऑन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई बोर होगा इस चैनल को देखकर भी। एंड कलर्स के साथ मैंने
मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया है, तो मैं एक चीज़ तो कह सकती हूँ कि एज एन एक्ट्रेस, एज एन आर्टिस्ट, कलर्स की मुझे इतना पैम्पर करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि जो भी कलर्स का आर्टिस्ट होगा वो कभी ये नहीं कहेगा कि यार कलर्स चैनल में, चैनल इतना देती है, इतना प्यार जताती है, और यू रियली वांट टू वर्क विद दैट चैनल. आई थिंक द आई एम डूइंग द सेकंड शो विद देम, सो आई फील दैट आई एम लकीएस्ट गर्ल जिसे दूसरी बार ये कलर्स के साथ जुड़ने का मौका मिला है. और ये भी कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में क्वांटिटी भी हो गई है, इतने सारे शोज़ आते हैं, तो ये अच्छी बात है या कंपटीशन ज़्यादा टफ हो गया है एज एन एक्ट्रेस? आई थिंक कॉम्पिटिशन हर फील्ड में होता है, और हर फील्ड में कॉम्पिटिशन होना अच्छा भी होता है, तभी तो आप बेहतर कर पाएंगे. और ये बताइए, मतलब ये अगर ये शो देखेंगे लोग तो तीन खास वजह क्या होगी, इतनी यूएसपी क्या होगी शो को देखने के लिए, एक तो आप होंगे, इसके अलावा और क्या होगा? इस शो का स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सोच समझ के इस शो के हर एक रिश्ते को हमने दिखाया है, प्यार बहुत दिखाया है, और एक हस्बैंड वाइफ की एक ऐसी ज़िंदगी दिखाई है जिसमें वो इतने उतार चढ़ाव के बाद भी अपने अपने पति और पत्नी पर कैसे भरोसा करके, इतना प्यार करके और समझ के आगे बढ़ते हैं. सो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, एंड जो हमारे पास गरम मसाला तड़का है विच इज़ प्लेइंग जैस्मिन भसीन जी, आई थिंक वो हमारा किरदार चटपटा सा वो मज़े कुछ कराएगी. थैंक यू. बहुत एक्साइटेड हूँ, वो आपको दिख गया होगा कूद कूद के कैसे मैं नाच रही थी, पूरी स्टेज हिला रही थी. बिल्कुल डिफरेंट है रियल लाइफ और रियल लाइफ से. टैनी और जैस्मिन बिल्कुल अलग है. जैस्मिन इज़ हाउ आई एम टॉकिंग एंड हाउ आई बिहेव. टैनी तो एकदम गुज्जू छोकरी थे, एकदम उसको अपने काम से काम मतलब है, कट टू कट है, अपने बारे में पहले सोचती है, सेल्फ मोटिवेटेड है अंदर से, अपने आप को किसी से कम नहीं समझती. उसके सामने करीना कैटरीना भी आ जाए तो वो भी उसके सामने पानी कम है उसके हिसाब से. सो दैट इज स्टैनी. बहुत अच्छा है, दोनों बहुत अच्छे हैं. रश्मि इज वेरी सिस्टरली स्वीट, शील टेक केयर एंड शील बी लाइक डिड यू ईट, यू आर लुकिंग प्रिटी, शी इज ऑलवेज अराउंड. सिद्धार्थ इज लाइक आई थिंक आई एम क्लोजेस्ट टू, ही इज अ बडी आई कैन टॉक टू, आई कैन कंप्लेन अबाउट, आई कैन जोक अराउंड. सो आई वन थिंग विच आई रियली लाइक एंड रियलाइज आफ्टर बींग अ पार्ट ऑफ द शो, आई फाउंड अ फ्रेंड. दैट्स हिम. डिफ़िकल्ट शो नहीं भी आ रहे हों तो भी होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि लोगों को क्या पसंद आएगा क्या नहीं आएगा, और मुझे नहीं लगता कहीं किसी से कोई कंपटीशन है, और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए. दूसरों के बारे में नहीं चिंता करनी चाहिए, अपनी दुकान की परवाह करनी चाहिए, उसमें पूरी मेहनत डालनी चाहिए. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. द केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग ऑफ दिस शो एंड you know how the story revolves around relationships, emotions, love, family, us sab pe the story revolves around all that. पता नहीं, मैं तो सोचता हूँ कि मैं कौन से कैमरा में, 10 कैमरा है. अच्छा, मैं तो कोशिश करता हूँ कि जितने भी कैरेक्टर्स में प्ले करूँ मैं उन सब के जितना करीब जा सकूँ, और मैं वो कैरेक्टर्स तभी प्ले करता हूँ जब मैं उन कैरेक्टर से रिलेट करता हूँ, क्योंकि अगर मैं उन कैरेक्टर से रिलेट नहीं करूँगा तो लोग मुझे रिलेट नहीं करेंगे उस कैरेक्टर से. तो मैं जैसा भी हूँ रियल लाइफ में, मेरे ख्याल से मेरे अंदर वो सारे शेड्स हैं जो मैं प्ले करता हूँ.
खुश हो जैसे बालिका वधु में अपने काम किया, खुश हो कि हिस्ट्री स्थापित करते हैं, बिल्कुल। लेकिन आज के जमाने में आप देख रहे हैं कि शोज की तादाद इतनी हो गई है, क्वालिटी क्वान्टिटी इतनी हो गई है, लेकिन क्वालिटी रिट्रेटेड किया है और उनकी जो लेंथ भी है वो कम हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? इनसिक्योरिटी तो नहीं है, सी आप देयर इज वन थिंग दैट आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट बालिका जैसे शो रोज नहीं बनते, दीज आर वन ऑफ शोज दैट डू रियली वेल, ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट गोज इनटू दोज शोज, जैसे हमारे राइटर्स और यू नो एक्टर्स और डायरेक्टर ने इतना हार्ड वर्क किया बालिका में जिसका मिला हमें, सब शोज जब हम बनाते हैं तो हम वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे जैसे हर मूवी जो बनती है वो एक शोले बनने की कोशिश करती है, पर वो जैसी भी बने यू नो फिर बनती हैं, तो हाँ हम सब कोशिश पूरी करते हैं, अब डिपेंड करता है कुछ चल पाती हैं कुछ नहीं चल पाती हैं। ये भी कहना चाहूँगा कि हंटी से मतलब गाने अपने बॉडी में कदम रखा, सक्सेसफुल भी रहा फिल्म भी, आपको किरदार को भी पहचान मिली, अब सुशांत सिंह राजपूत की बातें बॉलीवुड की बातें हैं, वो लोग बॉलीवुड में आए अपने को स्थापित किए और अब इतना यू कम फ्रॉम यू नो वेरी फ्लेक्सिबल नेचर की बॉलीवुड में फिर आप शो कर रहे हैं, तो इज इट डिफिकल्ट इज चैलेंजिंग? Not really, I don't find it challenging. See, for me, I don't see television as a small medium. अगर मैं movies कर रहा हूँ तो अगर मुझे कोई बोल दे कि television करो तो मेरे लिए ऐसा नहीं है वो मैं television TV नहीं करूँगा, मेरा ऐसा नहीं है क्योंकि TV ने मुझे बहुत कुछ दिया है और TV मेरे दिल के बहुत करीब है और TV के वजह से ही मैं हूँ जो हूँ और मुझे मूवी भी इसीलिए मिली थी क्योंकि मैं TV कर रहा था, तो TV मेरे लिए बहुत क्लोज है। और रही बात काम की, तो अगर कुछ अच्छा आएगा मुझे सिर्फ मूवीज़ करने के लिए अपने यू नो फिल करने के लिए पोर्टफोलियो में कि मैंने ये मूवीज़ की मुझे नहीं करनी है, मुझे करनी है वो मूवी जो अच्छी हो जो लोग कल बात करें जिसके बारे में, जैसे जैसे आपने एक छोटा सा राइटर था मेरा हम टीम में पर वो आपको याद है और आप उसके बाद बात करें मेरे लिए वो है, पर और जितने भी आप राइटर्स के नाम लोगे उनके राइटर्स के शायद आपको कितने बार नाम भी याद नहीं रहेंगे, तो आई वुड नॉट वॉन्ट टू डू दैट काइंड ऑफ जॉब। Thank you, sir. You're very nice. Yo, that's very kind of you to say. बिल्कुल बिल्कुल, अगर अगर कुछ अच्छा आएगा तो जरूर, एस्पिरेशंस तो हैं ऑब्वियसली सबको हैं, बट वो फुलफिल हो या ना हो तो उससे मैं टूटता नहीं हूँ क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, मेरे लिए काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अनफॉर्चुनेटली फॉर मी गॉड्स बीन काइंड टू मी कि मुझे काम मिलता जा रहा है और मैं काम कर रहा हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। कलर्स पे देखिए, कलर्स एक ऐसा चैनल है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरी काफ़ी लंबे समय से एसोसिएशन रही है कलर्स के साथ, तो मैं काफ़ी खुश हूँ कलर्स के साथ और कलर्स एक ऐसा शो है जिस एक ऐसा चैनल है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ पाया है और सो कलर्स मेरे बहुत दिल के करीब है और उनका शो है, उनके शोज यूजली सारे बहुत अच्छे होते हैं, मतलब आपने देख लिया होगा ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लेंगे तो शायद उसके शोज जनरली बाकी चैनल्स से बहुत अच्छा करते हैं।